मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब यूपी में माफिया अतीत हो गए हैं, राज्य सुरक्षा, खुशहाली और रोजगार का प्रतीक बन रहा है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी न फिरौती, यूपी नहीं है अब किसी की बपौती। मुख्यमंत्री सोमवार को निकाय चुनाव का प्रचार करने सहारनपुर केएमएस फील्ड में पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा, अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान, अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है, पहले हमले होते थे, अब कांवड़ यात्रा निकलती है। उन्होंने कहा, आने वाले वक्त में सहारनपुर से दिल्ली की दूरी 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। पहले डिग्री के लिए मेरठ जाना होता था, अब सहारनपुर में ही विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। यहाँ के छात्रों को माँ शाकंभरी की तस्वीर वाली मार्कशीट मिलेगी। सीएम ने लोगों से डबल इंजन सरकार से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बेहट क्षेत्र कलसिया के पास नगला पुल से कुछ दूरी पर बाइक और एक्टिवा की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से बेहट सीएचसी लाया गया। घटना सोमवार दोपहर की बताई गई है। मृतक की पहचान शाकिर पुत्र नूर हसन 22 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक के परिवार बिना कानूनी कार्यवाही के शव को अपने घर ले गए। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। बसपा प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार जमालुद्दीन अंसारी ने बताया कि हमारे कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य छूटे हुए हैं, अगर नगर की जनता ने मुझे मौका दिया तो उन्हीं को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने बताया, उसके अलावा मैं देवबंद की गरीब जनता के लिए, देवबंद की भलाई के लिए और विकास के लिए जो भी प्राथमिकता होगी वो मैं निभाऊंगा। उन्होंने कहा, हमारी गरीब आवाम परेशान रहते हैं, मसलन उनके राशन कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के काम है। उन्होंने बताया, उनके पिता 2017 से 22 तक पालिका अध्यक्ष चेयरमैन रहे, उनके कार्यकाल में भी मैंने जनता के लिए बहुत काम किए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव का मामला शुरू हो चुका है और रमजान भी खत्म हो चुका है, ईद भी खत्म हो चुकी है और सभी लोगों ने देवबंद की जनता ने चुनाव में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। मैं सभी से निवेदन करता हूं देवबंद वासियों से कि मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं और उम्मीद इस बेस पे करता हूं क्योंकि मैं पिछले 7 साल से आपके बीच में हूं, फील्ड में हूं, जनता के काम कर रहा हूं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप पे विश्वास करता हूं कि इंशाल्लाह आप अपने इस बच्चे को, बेटे को वोट देंगे और देवबंद का चेयरमैन बनाएंगे। मेरे मुद्दे ख़ास तौर से तो ये रहेंगे कि जो काम पिछली मर्तबा हमारे कार्यकाल के दौरान छूटे हुए हैं या जो मैं उम्मीद कर रहा था कि ये हम कराएंगे वो नहीं हो पाए, उन्हीं को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उसके अलावा मैं देवबंद की गरीब जनता के लिए, देवबंद की भलाई के लिए, देवबंद के विकास के लिए जो भी प्राथमिकता होगी वो मैं निभाऊंगा इंशाल्लाह। ख़ास तौर से जो मेरे जहन में है, एक तो ये है कि हमारी जो बहनें हैं, गरीब आवाम है, परेशान रहते हैं, मसलन उनके राशन कार्ड के काम है, पेंशन के काम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के काम है। मैंने अपने, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी, उनके कार्यकाल में भी मैंने जो राशन कार्ड के काम थे और भी बहुत काम थे ये गरीब जनता के लिए, वो मैंने सब कराए थे। लेकिन अगर मैं देवबंद का चेयरमैन बनता हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने यहाँ एक
जनसेवा केंद्र के तौर पे खोलूंगा ताकि गरीब जनता इधर उधर ना भटके, उनके जो फॉर्म होते हैं वो फिलअप करने का काम और उन्हें जो भरे जाते हैं वो सब मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। मुकाबला के इस्तेमाल